मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आपको ग्रामर में यूज ऑफ हैव, हैव और हैड का प्रयोग पढ़ा रहे हैं। देखिए, जब क्रिया किसी वस्तु पर अधिकार प्रकट करे तो इस अर्थ में प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैव और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। पास्ट टेंस में जो सिंपल पास्ट हमारा होता है उसमें पास्ट था या रखता था के लिए सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो एकवचन है या बहुवचन है, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, ऐसी दशा में सभी कर्ताओं के साथ में हैड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ये दिया हुआ है अनिल के पास एक सुंदर घड़ी है या अनिल एक सुंदर घड़ी रखता है। तो ये प्रेजेंट टेंस में है, अनिल हैज ए ब्यूटीफुल वॉच। तो यहाँ पे एक वचन सब्जेक्ट के लिए हमने हैज का प्रयोग किया है। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, मेरे पास एक बाइक है, तो इस दशा में क्योंकि आई को मैं एक बाइक रखता हूँ या मेरे पास एक बाइक है, तो ये आई को बहुवचन में रखते हैं, आई हैव ए बाइक। मेरे पास एक पुराना मकान था या मैं एक पुराना मकान रखता था, तो यहाँ पे आई हैड एन ओल्ड हाउस। क्योंकि पास्ट टेंस में चाहे सब्जेक्ट एकवचन है या बहुवचन है, हर दशा में सभी के सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये एक्सरसाइज के लिए वाक्य दिए हैं और अपनी टेस्ट बुक से और वाक्य लेके और इनका ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। थैंक यू।